हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप पीछे की जगह देख के समझ चुके होंगे कि मैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे आई हूँ। तो जी हाँ, मैं आई हूँ बेंगलोर पैलेस, जो कि बहुत ही सुंदर है और काफ़ी पुराना है। और चलिए फिर मैं आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ, देखती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। तो अभी मैं बाहर ही हूँ और बाहर से आप इसका नज़ारा देख सकते हैं कितना ये खूबसूरत है और ग्रीनरी भी काफ़ी है। तो चलिए चलते हैं। आइए मैं आप लोगों को बेंगलोर पैलेस के अंदर लेके चलती हूँ। जिस अंदर जाने से पहले 240 रुपीज़ की आपको टिकट लेनी पड़ेगी, फिर आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको अंदर फोटो या वीडियो लेना है तो उसके लिए 300 रुपीज़ आपको देने होंगे। उसके बाद आपका फ़ोन और कैमरा आप अंदर ऑन कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद हम लोग पैलेस के अंदर आ गए हैं और अब मैं आपको बेंगलोर पैलेस के बारे में बताती हूँ। यह एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1874 में, जिसको तैयार होने में करीब 4 साल लगे थे। और उस टाइम इसके ओनर जो थे, उनका नाम था रेव जे गैरेट, जिन्होंने इस पैलेस को सेल कर दिया था। तो इस पैलेस को किसने ख़रीदा था? ब्रिटिश के गार्जियन ऑफ महाराजा चामराज बोडिया 10 ने ख़रीद लिया था। महाराजा ने इस पैलेस को स्टे करने के लिए ख़रीदा था। और फिर बाद में 2005 में प्लेस के लिए ओपन किया गया। तो अभी बेंगलोर में ये काफ़ी फेमस प्लेस है, बेंगलोर पैलेस। और यहाँ की सीढ़ियों को देखिए, पुराने टाइम की सीढ़ियाँ हैं और बहुत अच्छे अच्छे अंदर स्टैचू मूर्ति वगैरह लगा के रखे हैं। और आप यहाँ पे बोला जाता है पैलेस के अंदर करीब 30,000 फ़ोटो लगाए गए हैं, जो कि हर दीवार पे आपको दिखने को मिलेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ के जो महाराजा थे, उनको हंटिंग का बहुत शौक था। तो ये पैलेस के अंदर एक देखिए, एक हाथी के फेस को बनाया गया है और हंटिंग से रिलेटेड आपको फ़ोटो भी मिलेंगे आगे के ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ। बने रहिएगा आप ब्लॉग में। देखिए कितने सारे यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं पैलेस के अंदर। और हर एक वॉल पे आपको ऐसे पुराने पुराने अंदर थोड़े थोड़े दूर पे फोटोग्राफ्स दिखेंगी। अब आगे की ओर चलते हैं और यहाँ का देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। तो यहाँ का आर्किटेक्चर वर्क भी बहुत अच्छा है, जिसे कि 2-डोर आर्किटेक्चर कहा जाता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो बहुत ही सुंदर है, आप देख ही रहे हैं। और एक साइड वॉल पे पेंटिंग की हुई है, जहाँ पे पुरानी टाइम की औरतों को देखिए कैसे ड्रेस और ज्वेलरी है। और ये बेंगलोर पैलेस है बहुत अच्छा। अगर आप आइए बेंगलोर तो यहाँ पे विज़िट आप कर सकते हैं। और देखिए मैं अभी पैलेस के अंदर ही हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस पैलेस में आ कर के। बोला जाता है कि बेंगलोर पैलेस का जो टोटल फ्लोर एरिया है वो करीब 45,000 स्क्वायर फिट का है। और इसके पैलेस के अंदर करीब 35 रूम हैं और एक स्विमिंग पूल है। और सीढ़ियाँ आप देख ही रहे हैं, लकड़ी की बनाई गई हैं, जो कि बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि यही स्विमिंग पूल रहा होगा पहले के टाइम पे। अभी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ पेड़ पौधे लगा के रखे गए होंगे, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस बन गया है अभी इस समय। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे ये सब लगा दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा ये प्लेस है, आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे, ट्राई करिएगा आने का। उसके बाद मैं आपको देखिए यहाँ वॉल पे, यहाँ पे भी फ़ोटो, हर जगह आपको ऐसे फ़ोटो देखने को मिलेंगे। और ये पुरानी महारानी जो हम थी, उनका ड्रेसिंग टेबल है। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ मूर्तियाँ लगाई हुई हैं। अब हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे, तो अंदर जो रूम है उसमें आप जो पुराने महाराजा थे उनके जितने वार्डरोब वगैरह हैं सब यहीं पे हैं। उसमें उनके कुछ पुराने कपड़े ही होंगे, बाकी सब तो इधर नए में रखे होंगे। और ये उस बेंगलोर पैलेस की महारानी थी, जिनका नाम भी नीचे लिखा हुआ है। तो अभी मैं बेंगलोर पैलेस में जितना घूमी हूँ, जो भी कुछ देखी हूँ, रिकॉर्ड करके आपको दिखा दिया। अब मैं आपको पैलेस के बाहर लेकर के चलती हूँ, तो बाहर से भी आप पैलेस का देख लीजिए, पैलेस कैसा दिखता है। तो पैलेस बहुत ही खूबसूरत है, बाहर से दिखने में काफ़ी अच्छा है। फ़ोटो भी यहाँ पर बहुत अच्छी आती है पैलेस के पास। बाहर से आप देख ही रहे हैं कि बेंगलोर पैलेस कितना सुंदर दिख रहा है और कितना नीट एंड क्लीन है, और भीड़ भी काफ़ी है। तो और पैलेस के जस्ट आप सामने देखेंगे ना, तो वहाँ पे ये जो पुराने टाइम के जो होते थे वो, मुझे पता नहीं है सही से क्या बोलते हैं इसको। और बाहर गार्डन भी है, गार्डन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा पैलेस है ये। गार्डन में भी आप आकर के बैठ के कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यही था हमारा बेंगलोर पैलेस का ब्लॉग। कैसा लगा आपको मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बेंगलोर पैलेस कैसा लगा? अच्छा लगा, हिस्टोरिकल प्लेस था, काफी मजा आया, पुरानी चीजें देखने को मिली। हाँ, तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घर। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये ब्लॉग है मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। कैसा लगा आपको बेंगलोर पैलेस? और अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल पे आप अगर न्यू विजिट कर रहे होंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।